नए वीडियो के साथ। और आज का रिव्यू वीडियो होने वाला है फॉर मामा अर्थ अनियन हेयर मास्क। ये 200 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट जो है एक टब पैकेजिंग में आता है, और ये टब भी एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है जिसके अराउंड कोई ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग होती है या नहीं ये मुझे याद नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने बहुत वक्त पहले खरीदा था। सो यस, प्लास्टिक इज रिसाइकलेबल एंड ये टब जो है आप उसे रीयूज भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट के फीचर्स की बात की जाए तो प्रोडक्ट इज वेजिटेरियन, क्रुएल्टी फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, एंड ऑफ कोर्स विद बायो एक्टिव। प्रोडक्ट का टेक्सचर जो है वो काफी डेंस है और क्रीमी है, तो लगाने में आपको थोड़ी सी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस काफी वियर्ड है, लाइक ना आपको ज्यादा परेशान करेगी बट यस आपको ज्यादा पसंद भी नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट को यूज किस तरह करना है। तो प्रोडक्ट प्री शैम्पू हेयर मास्क है, यानी कि आपको इसे शैम्पू करने से पहले लगाना है। 30 मिनट्स, 1 आवर जितना भी आपको चाहिए आप लगाएं, छोड़ें एंड देन आप वॉश ऑफ कर लें अपने फेवरेट शैम्पू से। उसके बाद आप चाहे तो कंडीशनिंग करें चाहे तो ना करें। मैंने जितना टाइम ये मास्क यूज किया मैंने बालों को कंडीशन बिल्कुल नहीं किया। कभी कभी मैं बालों पर सिरम लगा लेती थी स्टाइलिंग करने के लिए। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे इसका टेक्सचर काफी डेंस लगा, तो मैं क्या करती थी कि 1 स्पून मास्क में थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर लेती थी ताकि इसका जो टेक्सचर है थोड़ा और क्रीमी हो जाए और मुझे बालों पे अप्लाई करने में ईज हो जाए। एंड यस, प्रोडक्ट ने मेरे लिए काफी अच्छा काम किया। हेयर फॉल कंट्रोल होता है, बिल्कुल होता है, बट आपको इमिजिएटली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको इसे लाइक वीक में 3 बार तो कम से कम लगाना पड़ेगा रिजल्ट्स देखने के लिए, बिकॉज रिजल्ट्स इसके साथ काफी स्लो आते हैं। एंड ब्रेकेज के कारण अगर आपको जा रहे हैं बाल तो डेफिनेटली आपको उसके बीच में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ही ब्यूटीफुली कंडीशन करता है एंड बालों को सॉफ्ट बनाता है। तो उस मामले में मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि इसके बाद मुझे कोई कंडीशनर या फिर हेयर मास्क दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे मुझे इसका थिक टेक्सचर पसंद नहीं आता था तो मैं इसमें ऑयल मिक्स कर लेती थी। ऐसा आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो प्रॉपर मास्क भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेरे लिए तो इसने हेयर फॉल में भी काम किया है और बालों को स्मूथ बनाने में भी काम किया। सो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं अनियन ऑयल एंड बैम्बू विनेगर। बट यस, प्रोडक्ट कंटेन मेनी अदर ऑर्गेनिक अल्कोहल्स जो कि बालों के लिए कंडीशनर का काम भी करती हैं। एंड प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक सिलिकॉन सब्स्टिट्यूट भी कंटेन करता है जो कि अगेन बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर के वो इंग्रेडिएंट इको फ्रेंडली है या नहीं। बट ओवरऑल प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। बाकी किसका क्या पर्पस है आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी। प्रोडक्ट क्लेम करता है कि आपके बालों को डीटेंगल करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है एंड सूटेबल है ट्रीटेड हेयर के लिए। मैंने कोई बालों के लिए ट्रीटमेंट नहीं लिया तो मैं उसका तो बिल्कुल नहीं बता सकती, बट यस आपके बालों को बहुत स्मूथली डीटेंगल करता है एंड हेयर फॉल तो डेफिनेटली कंट्रोल करता है। मेरे लिए क्या है तो मैं तो इस चीज के लिए कह सकती हूँ कि ये हेयर मास्क हेयर फॉल जरूर कंट्रोल करता है। बाकी इसका शैम्पू और कंडीशनर वगैरह मुझे खास पसंद नहीं आया। ऑयल के लिए मैं कुछ नहीं कह सकती अभी के लिए, जब ट्राई करूंगी तब मैं आपको जरूर बताऊंगी। रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट वाइज इट इज क्वाइट गुड, काम के हिसाब से भी काफी अच्छा है, प्राइस भी काफी अफोर्डेबल पड़ जाता है। अगर आप अमेजोन पे चेक करें या फिर मामा अर्थ की वेबसाइट पे बोगो सेल में खरीदे तब भी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।